खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर क्या वजह है कि कोई नियम, कोई कानून अब तक उन अपराधियों में डर पैदा करने में नाकाम रहा है जो बलात्कार जैसे अपराध को अंजाम देते हैं? हद तो यह है कि पकड़े जाने के डर से अब ये लोग बलात्कार के बाद हत्या कर देते हैं। सवाल यह है कि इसे रोका कैसे जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण अपराध तो नहीं है, ये बीमार सोच है जिसका इलाज जरूरी है। और ये सोच सिर्फ अपराधियों में नहीं बल्कि हमारे पुलिस और प्रशासन में भी उतनी ही गहरी बैठी है। इसीलिए ऐसी हर घटना के बाद बेटियों को ही बेड़ियों में बांधने की कोशिश होती है। हैदराबाद पुलिस ने क्या किया? यही किया। हैदराबाद पुलिस की संवेदनहीनता पर बनी इस रिपोर्ट को आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। पांच हेडलाइंस के बाद हैदराबाद पुलिस की बेशर्म फरमानी देखिए। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर जारी किए दिशा निर्देश, 14 पॉइंट्स में बताया क्या करें क्या ना करें। महिलाओं को हैदराबाद पुलिस की सलाह, घर से बाहर निकले तो घर वालों को बताए कहां जा रही है, कब लौटेगी। पुलिस ने कहा महिलाएं हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही रहें, कोई साथ ना हो तो दुकान के पास खड़े होकर इंतजार करें। भुवनेश्वर पुलिस ने भी अजीब गरीब एडवाइजरी जारी की, कहा महिलाएं किसी अजनबी से बात ना करें। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली का बेहुदा बयान, कहा पीड़ित लड़की को बहन के बजाय पुलिस को फोन करना चाहिए था। मैं बाहर जाऊं तो सबको बताकर जाऊं कि मैं कहां जा रही हूं और कब तक लौटूंगी। मेरे लिए हमेशा अपने घर वालों या दोस्तों को ये बताना जरूरी है कि मैं कब, कहां और किसके साथ हूं। मुझे बाहर कहीं अकेले बैठने का मन हो तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि जब मैं बाहर निकलूं तो हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहना जरूरी है। कहीं भी जाऊं तो अंधेरा होने से पहले घर लौट आऊं। जितने नियम कायदे बनाने हैं लड़कियों के लिए बना दो, उन्हें बेड़ियों में डाल दो और खुद आजाद घूमो। यानी लड़कियों को चार दीवारी में कैद रहना होगा, अपनी जिंदगी मर्जी से जीने की आजादी को भूलना होगा, और अगर वो ये नहीं करेंगी तो उनके साथ वही होगा जो हैदराबाद में हुआ। या जो 7 साल पहले दिल्ली में हुआ था, या जो इस देश में हर 15 मिनट में किसी न किसी लड़की के साथ होता है। सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है और हर किसी के मांग यही कि हैंड द रेपिस्ट। हम सालों से देख रहे हैं जब भी किसी लड़की या महिला के साथ कोई हैवानियत होती है तो समाज में ऐसे ही गुस्सा उबलता है। लोग सड़कों पर आते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ वादे होते हैं और फिर सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा होता रहा है। हम अपने घर से इतने दूर है सर, कब तक ये चलेगा, कब तक? आप कुछ भी कर लो सरकार, आपको जो करना है कर लो, प्लीज लड़कियों को सेव कर दो। सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, पर महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर ये सब नाकाम है। इन्हें शर्म नहीं आती कि हमेशा ऐसी घटनाओं के बाद ये बजाय अपराधियों पर लगाम लगाने के लड़कियों को ही ज्ञान देने लगते हैं। अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़ी लिखी होने के बाद अपने बहन को फोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती थी। बाजू जैसे तेलंगाना के मंत्री वैसी ही उनकी पुलिस। पुलिस का काम सुरक्षा देना है, ऐसा माहौल बनाना है जहां आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन हैदराबाद पुलिस को देखिए, उसने सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को ही नियम कायदे बताना शुरू कर दिया। ये वो 14 सूत्रीय एडवाइजरी यानी दिशा निर्देश हैं जो हैदराबाद पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। इनमें लिखा है, हैदराबाद में रहने वाली सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए बेहद जरूरी संदेश, घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं और लड़कियों को क्या क्या करना चाहिए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि अगर लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो वह अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को ये बताए कि वह कहां जा रही है और आखिर कब तक वापस लौटेगी, और संभव हो तो वह अपनी आखिरी लोकेशन को भी शेयर करे। लेकिन आखिर क्यों, क्यों हर बार लड़कियों को ही घर वालों को सब कुछ बताना जरूरी है, और अगर जरूरी भी है तो यही नियम कायदे लड़कों के लिए आखिर क्यों नहीं? क्योंकि शहर में अकेले रहने वाली लड़की के साथ किसी को भी कुछ भी करने की छूट है। हैदराबाद पुलिस कहती है कि अगर कोई लड़की कहीं जा रही है तो वो अपने करीबी लोगों को ये बताए कि वो किस गाड़ी से जा रही है, उस गाड़ी का नंबर प्लेट और फोटो खींच कर शेयर करे। किसी अनजान जगह पर जा रही है तो रास्ते की पूरी जानकारी ले ले। पुलिस का काम है कि शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम करे, लेकिन हैदराबाद पुलिस कहना चाहती है कि वो ये नहीं कर सकती, इसलिए लड़कियां हमेशा भीड़भाड़ और रोशनी वाली जगह पर ही इंतजार करें।
हमेशा किसी दुकान या मॉल के पास ही खड़ी हों। अगर लड़कियां सुनसान जगहों पर फंस जाएं या पहुंच जाएं तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि शहर के सुनसान इलाकों में उसकी मौजूदगी हो? क्या पुलिस कभी ये समझ पाएगी कि जब कोई लड़की ऐसी स्थिति में फंसती है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है? शायद नहीं। इसीलिए हैदराबाद पुलिस कह रही है कि लड़कियों को हर वक्त 100 नंबर डायल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें हॉक आई ऐप डाउनलोड करके लगातार उसमें अपनी लोकेशन डेट करते रहनी चाहिए। हैदराबाद पुलिस कहती है कि जरा भी संदेह है तो आसपास के लोगों से मदद मांगे। अगर आसपास कोई न हो तो आप फोन पर झूठ मूठ ऐसी बात करें जैसे पुलिस से बात कर रही है। आपके इस नाटक से वो लोग डरेंगे जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। अगर इतना ही आसान होता अपराधियों को डराना और भगाना तो फिर पुलिस की जरूरत ही न रह जाती। लेकिन हैदराबाद पुलिस की बेसिरपैर की बातों का कोई अंत नहीं। उनका कहना है कि जब कोई मुश्किल स्थिति सामने आए तो तेज आवाज में बात करें, जरूरत पड़े तो चिल्लाएं, कुछ भी हो तो चिल्लाते हुए भीड़ वाली जगह की तरफ भागें। ऐसी बातें करने वाली किसी एक राज्य या शहर की पुलिस नहीं होती, हर जगह यही समस्या है। भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नर ने लड़कियों को हिदायत दी कि वो किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, किसी अजनबी से बात ना करें। तो फिर क्या करें लड़कियां? रोज मुंह पर पट्टी बांधकर घर से निकले, अपनी आंखें नीची कर सड़क पर चले, क्योंकि हमारी पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती। शर्म है ऐसे सिस्टम पर जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को पिंजरे में कैद करना जानता है। और यही वजह है कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले 70% आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं।